जी आप बुआ जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ कि मुझे आपके बेटे के अलावा किसी ने नहीं छुआ। तूने अगर आज तक किसी और से संबंध नहीं बनाया तो हमारी प्रथा में सफल क्यों नहीं हुई? खैर जो हुआ सो हुआ, पर फिर भी अगर तू कह रही है कि तू सही है तो तुझे तीनों परीक्षाओं में सफल होकर खुद को निर्दोष साबित करना होगा। बोल, मंजूर है तुझे? दे पाएगी परीक्षा? अब सब कुछ तेरे हाथ में, क्योंकि अगर उन लोग ने तुझे वापस भेज दिया तो तेरे बाप के पास खुद को आग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। माँ जी, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। क्या सोच रहे हो तारा के पापा? मैंने सोच लिया है। मैं अपने खेत बेच दूंगा। खेत बेच देंगे? तारा? प्रशांत? तारा खाना खा लो, ये जिद करना छोड़ दो, ये लोग नहीं समझ पाएंगे तुम्हें। तारा 3 दिन हो गए हैं, मैं अब तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता। लो ये एक एक बाइट खा लो, बस एक एक। नहीं प्रशांत, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे पता है कि मैं सच्ची हूँ। मैं ये परीक्षा दूंगी और इसमें सफल होके भी दिखाऊंगी। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, तो उसी भरोसे के लिए मैं ये परीक्षा दूंगी। तुम्हारे भरोसे के लिए और अपने माँ बाप की जिंदगी और उनकी इज्जत पे लगा हुआ दाग मिटाने के लिए मुझे ये परीक्षा में सफल होना होगा। उठ, हो गए तेरे पूरे 5 दिन, उठ। पानी? पानी चाहिए? जी पानी। मीनाक्षी जरा मटका लाना। जी भाभी। पिलाती हूँ ना तुझे पानी में, जितना चाहिए उतना पानी पीना। ये ले पानी, ले। ये ले पी, ये ले। क्या हुआ? हाँ, पानी नहीं पी पा रही। ये ले। पी ले पूरा मटके का पानी, जितना चाहिए उतना पी। ये तो तेरी पहली परीक्षा पूरी हुई है, अभी ऐसी 2 परीक्षाएं और बाकी हैं। तारा उठ बेटा, देख माँ ये। ले खाना खा ले। अब बस जितनी परीक्षा देनी थी तू दे चुकी, अब तो कोई परीक्षा नहीं देगी।
बहुत बुरी खबर है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली परीक्षा जो होने वाली है वो है जल समाधि की परीक्षा, और इस परीक्षा में तारा तुमको तब तक पानी के अंदर सांस रोक के रहना पड़ेगा जब तक पंडित जी के मंत्र चलते रहेंगे। तो सीधा सीधा जान लेने की कोशिश करना ही हुआ ना। मैं ऐसा तारा के साथ कभी नहीं होने दूंगा। ये सब लोग पागल हो गए हैं। तारा, तुम्हें परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैसे भी तुम्हारे पापा मुआवजे का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे मुआवजे के 25 लाख पूरे हो जाएंगे हम इन्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें ये परीक्षा कभी नहीं देने देंगे। नहीं माँ, मैं हर कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ किसी का प्यार और विश्वास है। तारा की माँ, ये खेत के 15 लाख मिले हैं, पर उन्हें तो 25 लाख रुपए चाहिए ना। हम चलकर समधी जी से बात कर लेते हैं, अभी इतना दे देते हैं, कुछ दिनों में बाकी का इंतजाम करके पूरा दे देंगे। लेकिन तब तक तारा पे ये अत्याचार खत्म तो हो। कई बार हम समाज के दखे अनुसी बंधनों में इस कदर बंधे होते हैं कि हमें सीधा रास्ता नजर ही नहीं आता। तारा के माता पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हालांकि उनके लिए सीधा रास्ता यही था कि तारा को उसके ससुराल से अपने घर ले आते, लेकिन समाज के डर से और बदनामी के भय से तारा के माता पिता तारा के लालची और रूढ़िवादी ससुराल वालों के सामने झुक गए। लेकिन वो एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि उनका ये डर ऐसे लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तारा, तारा मान जाओ मेरी बात, मना कर दो इस परीक्षा से। माँ, तू चुपचाप जा खड़ी हो जाए कोने में। इतना प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस लायक है और इसने कोई कुकर्म नहीं किया तो कुछ नहीं होगा इसे। चल, सुनो नहीं भाभी ने क्या कहा, जाओ यहाँ से। तारा रुक जाओ, तारा मेरी बेटी को इस परीक्षा से मुक्ति दिला दीजिए। मैंने किसी तरह से 15 लाख का इंतजाम कर लिया है, बाकी के 10 का भी जल्दी ही कर दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बचा लीजिए, समझिए, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लीजिए। दहेज नहीं मांग रहा हूं तुमसे। हमारी बेटी ने जो पूरी जिंदगी को कर्म किया है उसका मुआवजा मांग रहा हूं। समधन जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी। मतलब आप जानती हैं कि आपकी बेटी पवित्र नहीं है, और अगर आप मानती हैं कि आपकी बेटी पवित्र है तो ऐसे कैसे मर जाएगी? देखिए, अगर आप चाहती हैं कि ये पूजा पाठ रुक जाए तो 25 लाख का इंतजाम कीजिए, नहीं तो पंडित जी की पूजा समाप्त होने का इंतजार कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। पंडित जी, कितने पूजा और चलेगी?
परीक्षा संपन्न हुई। तारा, तारा। तारा, तारा होश में आओ, तारा, तारा बेटी, तारा, तारा बेटी, तारा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तारा कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप बिना हट करते हैं। अरे बैठे बिठाए 15 लाख का नुकसान कर दिया ना आपने। अरे जब वो दे ही रहे थे 15 लाख रुपए तो ले लेने चाहिए थे ना। तुम भी कैसी कमकलों वाली बात करती हो भाग्यवान। हमें पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे, एक पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, अरे उसे भी समाज में रहना है, बेटी वापस लौट कर जाएगी तो अपना मुंह किसको दिखाएगा वो है। पर ये सोचिए, अगर वो तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गई तो ये पैसे भी गए ना हाथ से। तीसरी परीक्षा में सफल होगी तब ना। माँ, मैंने पंडित जी से बहुत अच्छे से बात की है, तीसरी परीक्षा वो ऐसे निकालेंगे कि अगर उसने पूरी कर ली तो जिंदा नहीं बच पाएगी, और अगर वो जिंदा बच गई परीक्षा पूरी नहीं कर पाई तो आप लोगों को आपके 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन माँ, इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? माँ देखो, जिस लड़की से आपने कहा मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरी शादी वहां होगी जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं। अच्छा, 25 लाख की भरपाई कैसे होगी? बाबूजी, वो बहुत पैसे वाले घर की लड़की है, उसके माँ बाप भरपाई कर देंगे। छोड़ो मुझे, जब देखो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं है अंजलि? मैं कह रहा हूं ना, कुछ दिन का वक्त और दे दो। इस बार मैंने पंडित जी से पूरी बात कर ली है, इस बार वो परीक्षा में पास हो ही नहीं सकती। और अगर वो पास हो गई तो? अरे नहीं हो पाएगी, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है ना, नहीं तो सोचो, हमारे घर वालों की मर्जी से शादी हुई हुई ना, उसके बाद भी वो हमारी प्रथा में फेल हो गई। अच्छा, तो तुम नसीब के सहारे मुझे पाने के चक्कर में पड़े हो? अरे नसीब के चक्कर में नहीं बैठा हूँ, काम भी किया है मैंने, पूरी कोशिश की कि वो परीक्षा में भटक जाए, लेकिन वो नहीं भटकी। तरफ खाना खा लो, ये जिद करना छोड़ दो, ये लोग नहीं समझ पाएंगे तुम्हें। लो, एक बाइट खा लो, बस एक। नहीं प्रशांत, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इस बार मैंने पंडित जी से पूरी बात कर ली है, इस बार की परीक्षा में या तो वो फेल होगी या फिर वो मरी जाएगी, और फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो मान जाओ ना अंजलि, प्लीज। इस बार कन्या को अग्नि परीक्षा देनी होगी। जलते हुए कोयले पर चलना होगा, वो भी हाथों में जलते हुए अंगार को लेकर, खुले आसमान के नीचे। यह परीक्षा चंद्र ग्रहण के दिन शुरू होगी। जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा तब परीक्षा शुरू होगी, और जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा परीक्षा तभी खत्म होगी। अगर इस परीक्षा में कन्या सफल हो जाती है तो मान लीजिए उसमें कोई दोष नहीं है, परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए।
चंद्र ग्रहण आरंभ हो चुका है और अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी आरंभ हो रही है। कर रहे हैं आप? अरे तारा ने खुद इस परीक्षा के लिए हाँ की है और आपने अगर मुआवजे के पैसे दे दिए होते तो आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब इस परीक्षा को पूरा होने दीजिए, पूजा है भगवान की, समझे आप? कन्या की अग्नि परीक्षा सफल रही। तारा बेटी, तारा बेटी, तारा, तारा, तारा तुम बच गई। तारा, तारा होश में आओ। तारा, तारा, मैंने सारी परीक्षाएं पास कर दी। उस दिन जब मैं कह रही थी तो ले लेते ना 15 लाख रुपए, लेकिन नहीं, अब तो पैसे भी गए हाथ से, ऊपर से लड़की गले पड़ गई 100 अलग। और तू तो कह रहा था ऐसी परीक्षा होगी कि वो असफल हो जाएगी या जिंदा ही नहीं बचेगी, सब पड़ गया ना उल्टा। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की कि सब सह गई। अब बता आगे क्या करेगा? जिंदगी भर ऐसी लड़की को गले में लटका के घूमेगा जो हमारी प्रथा भी पूरी नहीं कर पाई? नहीं मां, मैं इस लड़की से खुद परेशान आ गया हूं। बस आप लोग एक काम करो, कल सुबह सुबह मंदिर चले जाओ और यहां जो भी होगा सब मेरे हाथों छोड़ दो। इस लड़की से मैं खुद कल निपटूंगा। अंजलि, तुम्हें इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो तुम चाहते हो तुम्हारी तरह मैं भी अपने नसीब पे रोती रहूं? हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हूं मैं। तारा अगर हमारी जिंदगी से सीधे तरीके से नहीं निकलती तो टेढ़े तरीके से निकलेगी और कल के कल निकलेगी। मैंने घर पे माँ बाबूजी से सारी बात कर ली है, कल घर पे कोई भी नहीं होगा। और अगर ऐसे में तारा किचन में जाती है और गैस सिलेंडर लीक होता है और अगर घर में आग लगती है तो एक एक्सीडेंट ही होगा। तारा को हमारी जिंदगी से हटना ही होगा। अगर जीते जी नहीं हटी ना तो मर के हटेगी। हाँ, वेरी गुड। एक मिनट रुको, चलो बैठ जाओ। शाबाश। पता है क्या, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है मैंने आज, इसे ना पियो और यार उसके बाद ना मेरे लिए कुछ ऐसा बना दो जिसे खा के ना बस मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊं। बढ़िया सर। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। और घर के बाकी सब लोग कहाँ गए?
देखा जाए तो शादी के बाद आज हमारी पहली सुबह है, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए मैंने सबको मंदिर भेज दिया। अब तुम जल्दी से चाय पी लो ना, चाय ठंडी हो रही है, क्या कर रही हो तुम? अब जब घर पे कोई है नहीं तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? बताती हूँ, पर सबसे पहले तुम वो कुर्सी यहाँ लेकर आओ। ओके। यहाँ ये लो आगे कुर्सी। अब तुम आओ, तुम बैठो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अरे सुनो, क्या करना चाह रही हो तुम? चुप। बेचारी के मरने से पहले आते ही ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं। ये क्या छुपा रही? सूत की डोरी। कुकड़ी भी ऐसे ही होती है ना, तो आज मैं अपनी इस कुकड़ी से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बांधने वाली हूं। तारा, हाथ बांधे जा रहे, करना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हें मारने का इरादा है। तारा, मजाक कर रही हो तुम? मजाक है या सच तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तारा, तारा प्लीज मुझे खोलो। तारा देखो, तारा नहीं, नहीं तारा प्लीज, तारा ये क्या कर रही है? तारा, तारा, तारा प्लीज, तारा नहीं, तारा प्लीज मुझे छोड़ दो। तारा, तारा नहीं, तारा प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे से गलती हो गई। तारा, मैंने तुम पे भरोसा करके परीक्षाएं दी, लेकिन एक परीक्षा अब तुम्हें देनी है। मैं किस बात की तुम्हारी परीक्षा दूंगा? तुम्हारी बात खराब हो गई, तुम्हारा मेरे से परीक्षा किस बात की ले रही हो तुम? क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो। आज ये अग्नि परीक्षा देकर तुम्हें अपने पवित्रता का सबूत देना है। सबूत देना है कि कल रात जिस लड़की से बात करके तुम मेरे मरने की प्लानिंग कर रहे थे वो सब झूठ था। मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, नहीं तो मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो तारा। माफ कर दूं तुम्हें? हाँ, माफ कर दूं तुम्हें? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे अपनी सच्चाई बताने के लिए हर बार परीक्षा देनी पड़ी। क्यों? ये सारी परीक्षाएं सिर्फ पत्नी के लिए क्यों? पति हो ना तुम? पति हो ना तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी की तरफ, है ना? अगर तुम अपने आप को निर्दोष समझते हो तो ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जैसे मेरा नहीं बिगाड़ पाई। तारा नहीं, तारा, तारा मुझे बचा दो, मुझे। आपका बेटा अग्नि परीक्षा दे रहा है, अगर सही समय से आ गई तो शायद जिंदा बच जाए। मैं अपने पति की अग्नि परीक्षा ले रही हूं, पर मुझे लगता नहीं है कि वो पास हो पाएगा।